वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ड्राई सेल। ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है एज पर द सिलेबस ऑफ AKTU। जो ड्राई सेल है उसको हम लैक्लांशे सेल के नाम से भी जानते हैं। ड्राई सेल हम उसी सेल की बात कर रहे हैं जिसको हम मार्केट में 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये की रेंज में खरीदते हैं और अपने किसी भी आर्टिकल में डालकर उसको चलाते हैं। जैसे किसी टॉय के लिए यूज़ करते हैं, या हम टॉर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं, या जो हमारी वॉल क्लॉक होती है उसमें डालने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो ड्राई सेल होता है ये एक प्राइमरी सेल की कैटेगरी का एग्जाम्पल है। प्राइमरी सेल हमारे वो सेल कहलाते हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी एक बार ये जब कंज्यूम हो जाते हैं तो हमें इनको फेंकना पड़ता है, हम इसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे सेल्स हमारे प्राइमरी सेल्स कहलाते हैं और इनको हम नॉन रिचार्जेबल सेल की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो प्राइमरी सेल हमें बाहर से देखने पे ब्लू रेड अलग कलर की कोटेड लेयर की फॉर्म में दिखता है, ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके की होती है। तो मैंने एक ये बेसिक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है इसके नॉमनक्लेचर के साथ, इसकी कंस्ट्रक्शन में समझा रही हूँ। जो हमारा सेल होता है वो दो, सबसे बाहर की जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर हमारी सबसे बाहर वाली लेयर तो एक सिंपल कोटिंग की फॉर्म में होती है, और जो सेकेंड लेयर प्रेजेंट है ये सेकेंड लेयर हमारी बनी होती है जिंक कंटेनर की। जो जिंक कंटेनर है ये कंटेनर वर्क करता है सेल के एनोड की तरह। तो सबसे पहले हम एनोड और कैथोड को मेंशन करने जा रहे हैं। तो जिंक कंटेनर एनोड की तरह वर्क करता है और अंदर जो ये ब्लैक पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये बना होता है ग्रेफाइट का। जो ग्रेफाइट होता है या ये ग्रेफाइट रॉड वर्क करती है हमारे सेल के कैथोड की तरह। इस ग्रेफाइट और जिंक कंटेनर के बीच में कई सारी लेयर्स हमें दिखाई दे रही हैं, तो जिंक कंटेनर के आसपास ही शुरू करते हैं। ये जो सेकेंड पोर्शन हमारा दिखाई दे रहा है, इस सेकेंड पोर्शन में एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जो पेस्ट हमारा बना होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, यानी इस पूरे पार्ट को हमने फिल कर दिया एक पेस्ट से, विच इज द जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर, और ये एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो ये पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर और जिंक कंटेनर होता है, इस जिंक कंटेनर के साथ में आगे ग्रेफाइट रॉड के आसपास हमारे कुछ पाउडर्ड फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, जिस पाउडर्ड फॉर्म में कार्बन या तो ग्रेफाइट का ही जो पाउडर्ड फॉर्म है उसको, या मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ कार्बन के मिक्सचर को हम यूज करते हैं। तो इस ग्रेफाइट रॉड की कवरिंग या कोटिंग होती है जिसमें मिक्सचर प्रेजेंट होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का, ये एक सॉलिड पाउडर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो हमारे सेल की आउटर लेयर होती है, ये आउटर लेयर या तो किसी कार्डबोर्ड की बनी होती है, या फिर कार्डबोर्ड के अलावा हम एक पॉलीमेरिक मटेरियल भी यहाँ पर यूज करते हैं, विच इज पॉलीप्रोपाइलीन। जो ग्रेफाइट कैथोड है, ये ग्रेफाइट कैथोड थोड़ा ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है, जहाँ पर हमारी एक मेटल की कैप प्रेजेंट होती है, और क्योंकि ये वर्क कर रहा है कैथोड की तरह तो हमने इसको पॉजिटिव चार्ज से मेंशन किया। इसके साथ ही हमारे सेल को ऊपर से कवर अप करने के लिए एक सील हम यूज करते हैं, विच इज नोन एज पिच सील, जिससे कि कोई भी लीकेज हमारे सेल के अंदर ना हो। तो ये हमारी बेसिक कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें हमने देखा जिंक कंटेनर बना होता है जिसको हम एनोड कह रहे हैं, इसके आसपास एक लेयर प्रेजेंट होती है पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की। जो ग्रेफाइट रॉड है वो कैथोड की कंस्ट्रक्शन करती है, ये कवर्ड होती है एक पाउडर्ड फॉर्म विच इज मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। जो मेटल रॉड मेटल कैप है वो हमारे ऊपर से ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को कवर अप करती है, एक पिच सील प्रेजेंट होती है, और हमारे पूरे सेल को कवर करने के लिए कार्डबोर्ड या पॉलीप्रोपाइलीन की एक लेयर होती है, जिससे कि हमारे सेल का कोई भी पार्ट जो है वो लीक नहीं होता। यही सारे कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स को हमने मेंशन किया है, यानी सेंट्रल हमारा कैथोड पार्ट ग्रेफाइट से बना हुआ जो कि सराउंडेड होता है एक पेस्ट से मैग्नीज डाइऑक्साइड और ग्रेफाइट। आउटर लेयर होती है जिसमें जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। जो एनोड कंटेनर बना है वो हमारा जिंक का होता है, और ये सब कुछ रैप अप किया हुआ है हमने कार्डबोर्ड या पॉलीप्रोपाइलीन की एक लेयर के साथ। जो सेल है इसमें दो तरीके की रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्शंस। तो हम अभी सेल रिएक्शंस को समझने वाले हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही टाइप की सेल रिएक्शंस, एनोड पर भी और कैथोड पर भी।
तो अपनी सेल रिएक्शंस को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन एट एनोड, ये हम सभी जानते हैं कि जो एनोड है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना। जो एनोडिक मेटल है वो हमारी जिंक एनोडिक मेटल है। ये जिंक मेटल कन्वर्ट होती है सबसे पहले जिंक आयनिक फॉर्म में और साथ में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है जिंक। ये हमारे एनोड की प्राइमरी रिएक्शन है। लेकिन जैसे ही जिंक अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो एक सेकेंडरी रिएक्शन प्रोसीड होती है, जिस सेकेंडरी रिएक्शन में जो जिंक आयन है ये अपने आउटर में प्रेजेंट अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन प्रोसीड करता है और इसको कन्वर्ट करता है जिंक क्लोराइड और अमोनियम आयन रिलीज करता है। ये रिलीज होने वाले अमोनियम आयन आगे जाकर कैथोडिक रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम अपने इस एनोड की ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, सिर्फ एनोड की बात कर रहे हैं, तो ये जिंक आयन हमारे आपस में कैंसिल हो गए, यानी हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं Zn प्लस 2NH4Cl और एज ए प्रोडक्ट हमें मिला जिंक क्लोराइड साथ में अमोनियम आयन और उसके साथ रिलीज होने वाले दो इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन हमारी है ओवरऑल एनोडिक रिएक्शन, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके की रिएक्शंस इंक्लूडेड हैं। इसके बाद अगली रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कैथोड पर होती है। कैथोड पर होने वाली रिएक्शन में हमेशा रिडक्शन होगा, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का यूटिलाइजेशन होता है। इलेक्ट्रॉन यूटिलाइजेशन के लिए हमारी रिएक्शन एनोड पर रिलीज होने वाले अमोनियम आयन से स्टार्ट होती है। दैट मीन्स हमारी जो रिएक्शन है उसमें अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये दो गैसियस प्रोडक्ट बनाता है, हाइड्रोजन बनाएगा और साथ में अमोनिया। ये दोनों ही हमारे गैसियस प्रोडक्ट हैं। ये जो गैसियस प्रोडक्ट है इसमें से रिलीज होने वाली अमोनिया हमारे करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करती है, तो इसलिए अमोनिया का कन्वर्जन आगे चल के जिंक क्लोराइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म में होता है। लेकिन फिलहाल जो रिलीज होने वाली हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपने अगले वाले कंटेनर में प्रेजेंट पेस्ट के साथ रिएक्शन स्टार्ट करता है और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसमें मैग्नीज के साथ रिएक्शन करके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है, यानी ये मैग्नीज डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है Mn2O3 में और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जो रिलीज होने वाला वाटर मॉलिक्यूल है उसी की वजह से हमारा जो सेल, अगर कभी आपने खोलकर अंदर से देखा हो तो वो मॉइस्ट हमें नजर आता है, एक चिपचिपा सा स्ट्रक्चर। अगर इन दोनों रिएक्शंस को देखकर हम ओवरऑल कैथोडिक रिएक्शन बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी मिलाकर, तो इसमें से हमारा हाइड्रोजन जो है वो कैंसिल हो जाता है और एज ए प्रोडक्ट हमारे पास आता है, सॉरी एज अ रिएक्टेंट हमारे पास है अमोनियम आयन। इस अमोनियम आयन की रिएक्शन हुई मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये कन्वर्ट हो गया अमोनिया गैस में, साथ ही साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई तो ये Mn2O3 में कन्वर्ट हुआ और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ। अब हमारे पास ये दो डिफरेंट रिएक्शंस हैं। एक रिएक्शन है जो कि एनोड की ओवरऑल रिएक्शन है और एक रिएक्शन है जो कि कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन है। अब इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइंड करके हम आगे लिखेंगे अपने सेल की ओवरऑल रिएक्शन। तो इस तरीके से मैंने इसको स्क्रॉल किया है तो अब कि आपको दोनों रिएक्शंस जो है वो दिखाई देती रहे। तो अब हम यहाँ पर अपने सेल की ओवरऑल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, विच इज इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट हमारे कैंसिल हो रहे हैं। तो ये हमारी एनोडिक रिएक्शन, ये हमारी कैथोडिक रिएक्शन। इधर हम देखें तो अमोनियम आयन हमारे कैंसिल हो रहे हैं और इधर हम देखें तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। बाकी और कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको हम क्रॉस कर सकें। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे रिएक्टेंट हैं ये हमारे पास बचते हैं Zn प्लस 2NH4Cl और नीचे वाली रिएक्शंस में से हमारे पास आया 2MnO2। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में हमारे पास है जिंक क्लोराइड ऊपर वाली रिएक्शन से प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया साथ में Mn2O3 और वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारी बनती है ओवरऑल रिएक्शन जो कि एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन का रिजल्टेंट है। तो इस सेल रिएक्शन से हम आसानी से देख सकते हैं कि जिंक का कन्वर्जन हो रहा है जिंक क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड जो है वो कन्वर्ट हो रही है अमोनिया में, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर रही है
और इसके साथ साथ हमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी मिल रहा है। लेकिन इस रिएक्शन में ये जो दो पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, विच इज जिंक क्लोराइड और अमोनिया, ये दोनों आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि अमोनिया का यूटिलाइजेशन होता है और ये जो करंट फ्लो को इनिबिट करने की कोशिश कर रहा था वो करंट फ्लो हमारा इजिली प्रोसीड होता है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शंस हैं। इसको अगर हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हमारी रिएक्शन शुरू हुई जिंक से, जिंक का कन्वर्जन आयनिक फॉर्म में हुआ। जैसे ही आयनिक फॉर्म हमारे इस सेकेंड पार्ट में एंटर होती है, ये तुरंत रिएक्शन करती है हमारे जिंक अमोनियम क्लोराइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और अमोनियम आयन, अमोनियम आयन फिर थर्ड पार्ट में प्रेजेंट जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसके साथ में रिएक्शन करता है इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, और कन्वर्जन होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का Mn2O3 की फॉर्म में। तो ये हमारी सेल रिएक्शंस थी। अगर इसको आगे हम देखें, हमारे सेल की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है तो उसको डिस्कस करते हैं। जो ड्राई सेल होता है उसकी मेजर डिसएडवांटेज होती है कि जब हम इसको यूज नहीं करते तब भी जो एसिडिक अमोनियम क्लोराइड सेल के अंदर है वो हमेशा जिंक कंटेनर के साथ रिएक्शन करता रहेगा और उसको कोरोड करता रहेगा, जिसकी वजह से सेल यूज में ना होने के बाद भी उसकी जो शेल लाइफ है वो रिड्यूस होगी। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था सेल का। कायदे से ये है जिंक कंटेनर और ये है ग्रेफाइट रॉड जिसको हम सील करते हैं, मेटल कैप से कवर करते हैं। तो तरीका ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, जब सेल हम यूज कर रहे हो तो हम एनोड और कैथोड पार्ट को आपस में कनेक्ट करें तभी हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। लेकिन जो इंटरनल रिएक्शन जिंक के साथ चल रही है अमोनियम क्लोराइड के होने की वजह से, तो उससे हमेशा जिंक कन्वर्ट होता रहेगा जिंक आयनिक फॉर्म में और धीरे धीरे करके इसका कोरोजन होगा। तो सेल को बिना यूज करे भी जो हमारी मेटल है उसका लॉस होता रहता है, इसीलिए ये सेल रखे रखे हम कहते हैं खराब हो जाते हैं या अब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो क्योंकि ये रिएक्शन इनकी शेल्फ लाइफ को रिड्यूस करती है। बट इसको ओवरकम करने का भी एक तरीका है कि अगर हम अमोनियम क्लोराइड को रिप्लेस कर दें एल्केलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इस एल्केलाइन नेचर की वजह से जो जिंक है उसका कोरोजन कम होगा और हमारे जो सेल है उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी, और इस मॉडिफाइड ड्राई सेल को हम एल्केलाइन सेल के नाम से भी जानते हैं। तो इस डिसएडवांटेज को हम दूर कर सकते हैं, बट उससे हमारा सेल का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है, फिर हम इसको लेक्लांशे या प्योर ड्राई सेल की जगह एल्केलाइन सेल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट विच इज नोन एज एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस। तो हम सभी जानते हैं कि जो सेल हैं उनका यूटिलाइजेशन हम अपनी लाइफ की जो डेली नीड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनकी जो पावर डेंसिटी है वो बहुत ही रीजनेबल है। हम कभी भी सेल को डालेंगे तो हमेशा, अगर सेल हमारा वर्किंग कंडीशन में है तो हमेशा जो आर्टिकल है हमारा वो वर्क करेगा। बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं, लो कॉस्ट होती है, 10 रुपये 20 रुपये का हमें मार्केट में मिल जाता है, सेफ हैंडलिंग होती है, सेफ यूज़ होता है, किसी तरीके की सेफ्टी के रेस्पेक्ट में कोई डिसएडवांटेज नहीं होती है, परफॉर्मेंस भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, इजीली अवेलेबल होता है। जो सेल है उसको हम अपने बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स के लिए यूज करते हैं, तो इनमें से कुछ नाम जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं। आपके माइंड में जो भी यहाँ पर एग्जांपल आए वो आप ऐड कर सकते हो, जैसे फोटोग्राफिक इक्विपमेंट दैट इज कैमरा, कंप्यूटर्स में जो वॉच हम यूज करते हैं उनमें, कैलकुलेटर्स में यूज होगा, टॉयज में यूज होगा, हमारी जो टॉर्च या डिफरेंट लाइटनिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें भी हम इस सेल को यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी और सजेशन तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस यूनिट की बाकी वीडियोस के लिए मैंने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यू कैन गो थ्रू ऑल द वीडियोस। थैंक यू सो मच।